पिछले में हमने सीखा कि funds क्या होते हैं आज हम इसी टॉपिक पर एक डीप डाइव करेंगे म्यूचुअल मतलब है आपसी या एक साथ इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा पूल करके इन्वेस्ट करते हैं इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं स्कीम एक प्रोफेशनल मैनेज करता है जो इन्वेस्टर्स की नीड्स को समझता है और उनके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है सिंस इन्वेस्टमेंट है, आप डायरेक्टली किसी कंपनी की इक्विटी नहीं ओन करते आप अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट या लॉसेस स्प्लिट करते हैं यह स्कीम आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास रुपीज वन है और आपने उससे एक स्टॉक खरीदा लेकिन आपके पास सिर्फ रुपीज़ वन थाउजेंड है तो आप और कोई स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे अगर दस इन्वेस्टर्स रुपीज़ वन थाउजेंड ईच लेके एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक साथ दस स्टॉक्स के स्मॉल पार्ट्स ओन करेंगे ये है म्यूचुअल फंड्स का मेन बेनिफिट सब मिलके पैसा डालेंगे और सबका एक साथ बेनिफिट होगा चलिए इसके और बेनिफिट समझते हैं नंबर वन सिंपल टू इन्वेस्ट आपको कुछ नहीं करना एक स्कीम सेलेक्ट करनी है एंड उसमें पैसे डाल देने हैं इतना सिंपल फॉर्म है ये इन्वेस्टमेंट का नंबर टू प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट जैसे कि ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है सब देखने के लिए ऐसे ही म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे मैनेज करता है नंबर थ्री डायवर्सिफिकेशन जैसे कि पहले बताया आप एक स्टॉक की जगह दस स्टॉक्स ओन करते हैं बिकॉज सबने साथ मिलकर ज्यादा पैसा डाला है अब ये तो हो गए फायदे लेकिन फायदे के साथ साथ हमेशा रिस्क तो जुड़ा ही होता है अगर हम म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है लेकिन थोड़ा रिस्क तो होता है तो ये क्या रिस्क है नंबर वन मार्केट रिस्क अब इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में ही होगी तो प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड पे भी होगा नंबर टू इन्फ्लेशन रिस्क अगर आपने सही फंड चूज़ नहीं किया तो उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हो सकता है जैसे कि महंगाई बढ़ गई छह परसेंट लेकिन आपके फंड ने रिटर्न दिया खाली चार परसेंट तो नेट तो आपको रिटर्न आया ही नहीं नंबर थ्री वॉलिटैलिटी रिस्क मार्केट में प्राइस मूवमेंट म्यूचुअल फंड को भी इंपैक्ट करता है अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ तो आपके फंड का रिटर्न भी अफेक्ट हो सकता है नंबर फोर इंटरेस्ट रेट रिस्क यह मोस्टली आता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में अगर आपने एक फंड में इन्वेस्ट करा जिसने एक फिक्स्ड इनकम एसेट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न फिक्स्ड हो गया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेकिन इस टाइम फ्रेम के बीच अगर सेम टाइप ऑफ एसिड के इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो गया तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अफेक्ट हो जाएगा इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क अब क्योंकि रिस्क है तो बहुत जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सब जान ले शुरुआत में क्या स्ट्रक्चर है आपके फंड का ये समझना सबसे जरूरी है फंड में होता है नंबर वन द स्पॉन्सर दिस इज द कंपनी विच इज द प्रोमोटर ऑफ द फंड दे इन द इनिशियल कैपिटल टू लॉन्च द फंड दे मेक द एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द फंड इन प्लेस नंबर टू

तो फंड अच्छा परफॉर्म करने का चांस रखता है गाइज मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय फाइव पैसा के अगले एपिसोड में बाय